जिनमें पे आपको, चलिए हम लोग जो है मैथ्स के इस महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं और क्या कह रहा है कार्य समय क्षमता से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसी हमें आपको करना है। यहाँ पर है ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन तथा 15 दिनों में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपए हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, ठीक है, कितने हैं प्राप्त रुपए, ठीक है भैया। यहाँ पर चलिए आप सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा ऐसे भाई, जिसकी जैसी क्षमता होगी वैसे वैसा ही धन मिलना चाहिए। अगर भाई किसी की क्षमता अधिक है तो उसको अधिक धन मिलना चाहिए, अगर कोई कम क्षमता का कारीगर है तो उसको धन कम मिलना चाहिए, लेकिन अमूमन ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और जबकि बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से कार्य मिल जाएगा 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। अब 30 में 10 का भाग देंगे, 10 दिया 30, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 भाग, बी एक दिन में कितना करेगा, 5 × 15 × 30, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए की दक्षता कितनी है, एक दिन में 3 भाग, बी एक दिन में कितना कर सकता है, 2 भाग। इसका मतलब सबसे अधिक धन किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। इसका मीन से जो धन है वो किस अनुपात में बांटा जाएगा, 3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा। इसको 3 भाग किसको, 2 भाग मिलेगा और पूरा कितना भाग हो गया, 5 भाग। अब ये 5 भाग बराबर कितना हो जाता है, तो 5 भाग बराबर आपका होता है 450 रुपए। एक भाग में कितना होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे 450 बटे में 5, 5×9=45, एक भाग में 90 रुपए अगर बनते हैं भैया। इसका पूछा है बी का, बी को मिलता है 2 भाग, तो 90×180, इसका मीन से यहाँ पर बी की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, 180 रुपया। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भैया, ए और बी किसी काम को कम से 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो ज्ञात कीजिए शेष काम को बी अकेले कितने दिन में पूरा किया। तो मेरे आपको यहाँ पर ध्यान देगा, ए और बी, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 30 भाग, जो कि आपका कार्य में दिया। अब 30 में एक बार 10 से भाग देंगे, एक बार 15 से, तो भैया ए जो है 10 दिया 3 भाग, बी जो है 15×30 2 भाग। ए एक दिन में 3 भाग काम करेगा, बी एक दिन में 2 भाग कार्य कर सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और कितने दिन तक, 2 दिनों तक एक साथ काम किया, तीनों दोनों मिलकर, सॉरी टीम कह रहे हैं, दो ही लोग हैं कार्य कर रहे हैं तो कहां से 3 हो जाएंगे। तो भैया दोनों ही एक साथ मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 3 दिन में करेंगे कितना काम, 5 भाग। कितने दिन तक साथ काम किए हैं, 2 दिन तक। अगर एक दिन में 5 भाग काम करते हैं तो 2 दिन में 5×10 भाग कार्य होगा, कितना हो जाएगा, 10 भाग कार्य होगा। अब भैया पूरा कार्य कितना है, 30 भाग, और अभी हुआ कितना, 10 भाग। अब 30 में से आपने 10 घटा दिया, तभी शेष कार्य कितना है, तो शेष आपका कार्य बचा हुआ है 20 भाग, ठीक है। अब भैया किसने काम करना छोड़ दिया, तो भैया ए ने काम करना बंद कर दिया, इसका मीन से शेष बचे हुए कार्य को कौन पूरा करेगा, तो शेष बचे हुए कार्य को बी पूरा करेगा, और किसकी कैपेसिटी से, अपनी कैपेसिटी से। तो बी एक दिन में कितना करेगा, 2 भाग, तो भैया 20 भाग करने में 20 भागे 2 अर्थात कितना, तो आप कहेंगे सर जी 10 दिन। तो शेष कार्य जो है बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, आप कहेंगे सर जी 10 दिन। इसका मीन आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है।